हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि सुबह सुबह मेरे साथ क्या हो गया था। 4:30 से 5 के बीच में मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे वॉमिटिंग हो गई थी, क्योंकि पानी चेंज होना, शादी ब्याह का थोड़ा खाना, तेल पूड़ी वगैरह और थोड़ी सी गर्मी, तो इसी की वजह से हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी। और फिर थोड़ा थोड़ा आराम मिल रहा था, बट अंदर से कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं थी। तो फिर दादी ने मुझसे पूछा कि बेटा तुम्हें चोटी बनाने आती है? तो मैंने कहा हाँ आइए बना देते हैं। उसके बाद ये देखिए, सृष्टि मेरे साथ सो रही थी एंड देन मैं सृष्टि के साथ वार्तालाप करने में बिजी हो जाती हूँ। मम्मी ने ये क्या खाए? कहाँ गई मम्मी? मम्मी उनके घर गई। हाँ, तुम्हारी दाल की पूड़ी बनी है, खा लो जाओ। दाल की पूड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। नहीं खाते? नहीं, मेरा तो तबीयत भी, हमें सुबह उल्टी हुई थी तो हम भी खा लेते। कल स्कूल है? हाँ। है? नहीं, स्कूल है। तो जाना है? कल जाना पड़ेगा। आप रहोगे कल? कहाँ जाओगे? हम अपने नानी घर जा रहे हैं आज। क्यों? नानी बुला रही है मेरी, कह रही है एक दिन हमसे मिल लो। मर जाओ भैया, क्या करें? कल तुम इलाहाबाद चले जाओगे? कल या परसों। तो 3 दिन और रुक लो। मेरा भी स्कूल है ना वहाँ पे, मेरा भी एग्ज़ाम आ रहा है, 15 से कभी भी स्टार्ट हो सकता है। राम रे, दो रख। इसमें ज़्यादा पड़ेगा। स्टी और दिशा के साथ खेलकर थोड़ा बेटर फील कर रही थी और ये स्प्रे छुपाना अब ज़रूरी हो गया था और निकल देते अब नानी घर जाने के लिए। तो आइए मिलवाते हैं मेरी नानी से। लग रहा नीचे उतरे नानी। नानी, अंकल आए, मिल लीजिए। आइए थोड़ा सा कुछ और इंटरेस्टिंग हो जाए। ये है मेरी छोटी नानी का घर जहाँ मैं नीचे जा रही हूँ। ये है अंडरग्राउंड में। भाई साहब, यहाँ तो गजब का, मतलब सब कुछ एकदम ठंडा ठंडा सा रहता है। नाना ना लगेंगे, नाना रीनू की लड़की है। कौन इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे लिए आपके लिए है या नहीं पता नहीं। नानी के फैन के रेगुलेटर में 7 तक नंबर्स थे, हमारे यहाँ क्यों नहीं होते? इन 4 दिन से पता ही नहीं क्या हो रहा है, मुझे ठंडा पानी पिला दो या फिर नॉर्मल पानी, मेरी प्यासी नहीं बुझ रही, बहुत पानी पी रही हूँ मैं। कुछ नहीं, भूख वूख नहीं लगी, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ अंदर से। सुबह उल्टी हो गई थी 5 बजे। कुछ सिखाओगी? बस आए खाना ही खा लेंगे सीधे, बस रोटी सब्जी खाने का मन है और कुछ नहीं। जैसे कि आप से मुझे देख सकते हैं कि मैं फिर से पसर गई हूँ, क्योंकि अंदर से मेरी हालत थोड़ी सी सही नहीं है, बाकी तो मैं बेटर बहुत फील कर रही हूँ। और ये पता नहीं कौन सा जोक हुआ था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो हम लोग बहुत मज़े कर रहे थे और ये नानी के घर के पेड़ के अजवाइन, तो आप बनने जा रही है नानी के हाथ की चाय।
तो कुछ कहत के काम आंटी भी ला पता तबियत अंदर से नहीं ठीक हो अभी ऊपर जाए के दवाई चेंज करेंगे और ये मेरा अभद्र सा व्यवहार कि मैं सामने से ना जा करके ऐसे किनारे से चढ़कर जा रही हूँ। खैर मज़ा बहुत आता है ये सब काम करने में बहुत ज़्यादा। लकी तो 10:30 बजे जाएंगे। फोन नहीं लेते और तो कुछ नीचे था नहीं ना नहीं कहाँ लगाना है क्या कहाँ है फोन तबीयत खराब होने की वजह से मैं आज आ गई हूँ नानी के घर। मम्मी पापा कल आएंगे तो अभी नानी वीडियो कॉल पे मम्मी पापा से बात कर रही है। बट पानी चेंज होने की वजह से बचपन से ही मुझे वॉमिटिंग या फीवर ये सब हो जाता है। बट मैं अभी बहुत बेटर फील कर रही हूँ तो अब चलेंगे दवा लेने के लिए और उसके बाद नानी लोगों का आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ूंगी। तो गाइज अब मिलते हैं कल, तब तक लिए खाओ पियो खुश रहो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। टाटा।